वेलकम इन्वेस्टर्स, अर्न विद स्टॉक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का डेट है 27 फरवरी 2021, और आज के इस एजुकेशनल वीडियो में हम बात करेंगे एसबीआई की और टेक्निकल एनालाइज करेंगे, देखेंगे कि एसबीआई में हमें किस तरीके की ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है और उसके अकॉर्डिंग हम अपने ट्रेड सेटअप कर सकते हैं। जैसे कि अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये एसबीआई का मंथली चार्ट है। इस मंथली चार्ट को अगर हम गौर से एनालाइज करेंगे तो यहाँ पे 2010 में 350 का एक हाई प्राइस पे ट्रेड किया था, उसके बाद 2014 में 335 के एक हाई प्राइस पे ट्रेड किया, 2017 में 338 के हाई प्राइस पे ट्रेड किया और 2019 में 371 के एक हाई प्राइस पे ट्रेड किया, और आज के डेट में अगर हम देखेंगे तो 476 के हाई प्राइस पे ये स्टॉक ट्रेड कर चुका है। अगर हम इस मंथली चार्ट का एक ओवरव्यू लेते हैं तो यहाँ हमें एक रेजिस्टेंस देखने को मिलता है और यहाँ पर हमें एक सपोर्ट जो कि कई सालों से चल रहा है, सेल बाय सेल बाय सेल बाय एंड सेल। लेकिन इस बार यहाँ पे देखिए जिस तरीके के चार्ट पैटर्न बने, जिस तरीके के कैंडलस्टिक और जिस तरीके से मार्केट एक नए हाईस टू हाईस पे ट्रेड कर रहा है, तो कहीं ना कहीं मार्केट का जो साइज है वो बढ़ चुका है और बैंकों के लिए जिस तरीके से गवर्नमेंट की पॉलिसीज और रणनीति आ रही है उसके चलते बैंकिंग सेक्टर में हमें एक बूम पिछले कुछ दिनों में देखने को मिला। अब चलेंगे हम लोअर टाइम फ्रेम पे और वहां पे देखेंगे कि किस तरीके का प्राइस एक्शन आता हुआ नजर आ रहा है। अब ये जो है आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये एसबीआई का वीकली चार्ट है और वीकली चार्ट पे अगर हम देखेंगे तो स्टॉक 270 से वन वीक के ट्रेडिंग सेशन में 400 के एक हाई प्राइस पे ट्रेड कर चुका है, 25-30% का वन वीक में रिटर्न दिया है। तो इसके वजह से ही यहाँ पर अभी हमें फ्रेश बाइंग की कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं दिखेगी। जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स है वो इस प्लेस पे, इस जगह पर 300, 400, 394, 400 के पास फ्रेश बाइंग नहीं होगी। अब अगर इस वीकली चार्ट को हम गौर से देखेंगे तो इन टू लोस को कनेक्ट कर देते तो इस तरीके का यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनता है और उसी के साथ वीकली चार्ट पे 291 से लेकर तो 268 का एक वीकली डिमांड जोन है। बट इस बार एक अच्छे खासे वॉल्यूम्स के साथ में स्टॉक ने अपसाइड मूव किया हुआ है और उसके वजह से प्राइस जो है वो इस वीकली डिमांड जोन में आएगा ये हम श्योरली नहीं कह सकते। और अगर मेरा टेक्निकल एनालिसिस ये कहता है मुझे कि यहाँ पर मुझे ऐसे लगता है कि यहाँ पे प्राइस पलट के नहीं आएगा जब तक मार्केट में कोई बड़ा करेक्शन हमें देखने को नहीं मिलता है। अब चलेंगे हम लोअर टाइम फ्रेम पे, मीन्स डेली चार्ट पे। जैसे कि हमने देखा एसबीआई में इसका मंथली एंड वीकली दोनों ट्रेंड अप है और जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर ऑन अ डेली चार्ट पे एक साइडवेज ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब मैं चार्ट को बड़ा कर देता हूं, यहाँ पर देखिए इस डेली चार्ट पे 340 से लेकर तो 326 का एक डेली डिमांड जोन है और प्राइस इस डिमांड जोन के ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। जब हम एसबीआई में एक रैली देख रहे थे तब ये एसबीआई 358 से 386 गैप अप ओपन हुआ था और उसके बाद हम अगर देखेंगे तो कुछ दिनों के ट्रेडिंग सेशन से यहां पर वो सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड सपोर्ट। अगर ये सपोर्ट आने वाले दिनों में ब्रेक होता है ऑन अ डेली बेसिस पे, कोई रेड कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग होता है तो फर्स्ट इमीडिएट टारगेट हो जाएगा 374 का और उसके बाद हमें एक अप मूव देखने को मिलेगा 386 तक और फिर से एक डाउनसाइड ट्रेड करता हुआ नजर आएगा 358 तक। क्योंकि अगर एसबीआई की बात हम करेंगे तो ऊपरी लेवल पे प्राइस सस्टेन नहीं कर पा रहा है और यहाँ पर जैसे मैंने आपको पहले बताया कि फ्रेश बाइंग की यहाँ पर कोई भी गुंजाइश नहीं है क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी एक अच्छे खासे ओवर ब्रॉड जोन में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है और इस हाइज को अगर मैं नोटिस करूं तो इस हाई प्राइस के बाद में एक हाई, एक लो, लोअर हाई, अब यहाँ पे ये एक सपोर्ट और यहां से हल्का फुल्का अगर आने वाले दिनों में एक बाउंस अगर हमको देखने को मिला
तो कुछ इस तरीके का बाउंस होके यहाँ पर ये जो सपोर्ट है ये ब्रेक होके प्राइस नीचे आएगा लगभग 375। फिर यहाँ से हमें एक मूव अपसाइड लगभग अगर हम देखेंगे तो यहाँ तक, और यहाँ से कुछ इस तरह का यहाँ पे जो डेली ट्रेंड है वो डाउन हो सकता है। कुछ इस तरीके का हमें ट्रेंड SBI में आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। अब ये हम श्योरली नहीं कह सकते कि कुछ इस तरीके का ही ट्रेंड हमें देखने को मिले, लेकिन जहां तक यहाँ पे अब हमारे पास टू हाईज है तो उसके चलते हमें यहाँ पर जो टू हाईज मिल गए तो लोअर टाइम फ्रेम पे हम एक डाउन ट्रेंड लाइन इस ड्रॉ कर सकते हैं, और जब तक ये डाउन ट्रेंड लाइन इंटैक्ट है तब तक हम SBI में एक शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं फॉर अल्ट्रा शॉर्ट टर्म टाइम पीरियड के लिए। तो ये था SBI का डिमांड सप्लाई बेस टेक्निकल एनालिसिस। ये एनालिसिस अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक एंड शेयर जरूर कर सकते हैं, और ट्रेडर से अगर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।